अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंप्लीट ज़ियारत इन मदीना मुनव्वरा पार्ट 5 वीडियो में हम जन्नतुल बकी में कौन से सहाबे कराम की कौन सी कब्र मुबारक है, ये सब हम जन्नतुल बकी के मैप के साथ आपको कंप्लीट डिटेल में बताएंगे। जन्नतुल बकी में तैयार कब्रें कैसी होती हैं, जन्नतुल बकी की क्या टाइमिंग है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजर नसब, उसके अलावा जन्नतुल बकी के मुतालिक कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहता चलूं कि मदीना मुनव्वरा की जितनी भी ज़ियारतें हैं उन सब की कंप्लीट डिटेल हमने इस चैनल में रखी हुई है। अगर आप लोग इस चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फ़ौरन क्लिक करें, साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए और नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपनी राय का इजहार इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके दीजिएगा। तो चलें दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मस्जिद नबवी के गेट बाबल बकी के हाथे के सामने की तरफ जन्नतुल बकी है। कब्रिस्तान अल बकी के आदाब ज़ियारत, ये ब्रोशर मुझे मरकज़ से मिला है जो कि बाबल बकी के हाथे के बिल्कुल सामने की तरफ है। तो चलें मैं आपको ये मरकज़ की तरफ भी लेके जाता हूँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ मरकज़ पर काफ़ी सारी लैंग्वेज में ये ब्रोशर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। जिस भी लैंग्वेज के जो लोग आके इनसे मांगते हैं तो ये बिल्कुल फ्री में यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब दिखाया गया है। इधर मैं वीडियो को थोड़ी आराम आराम से करके बनाऊँगा ताकि आप सब ये सब कुछ आसानी से पढ़ सकें। जैसे ही हम बकी कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं तो इधर भी आप देख सकते हैं कि बकी में दाखिल होने की दुआ, इधर क्या काम करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, इन सब की डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। इन सब की डिटेल भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जन्नतुल बकी में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा सहाबे कराम मदफन हैं। जन्नतुल बकी जो है वो फजर और असर की नमाज़ के बाद खोली जाती है, आप जब भी इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। उसके अलावा मस्जिद नबवी के अंदर वाला जो गेट है 42 नंबर गेट, वहाँ पर जनाबे भी रखे जाते हैं, आप जनाबों के साथ शिरकत करके भी जन्नतुल बकी की ज़ियारत कर सकते हैं। ये जो औरतें हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। आप लोग ये देख सकते हैं कि कई कब्र मुबारक पर एक स्टोन और कईयों की दोनों साइड पर स्टोन रखे गए हैं। तो जिनकी एक साइड पर स्टोन है वो मर्दों की कब्र की निशानदेही करते हैं और जिनकी दोनों साइड पर स्टोन है वो औरतों की कब्र की निशानदेही करते हैं। यहाँ पर मैं आपको जन्नतुल बकी का मैप दिखाता चलूँ जो कि मुझे मदीना में ही एक दोस्त ने दिया था। इस मैप के ज़रिए हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी कब्र मुबारक कौन से सहाबा किराम की है। ये जो कब्र मुबारक आप देख रहे हैं ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हज़रत सैयदिना इब्राहिम की है। इससे थोड़ा पीछे अगर हमने थोड़ा पीछे अगर हम जाते हैं तो ये दो कब्र मुबारक हैं, इनमें से एक हज़रत इमाम नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरी जो है हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं। ये जो कब्र मुबारक आप देख रहे हैं इसमें हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम जाफिर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो कब्र मुबारक आप देख रहे हैं ये अब्दुल्ला बिन जाफिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अकील बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैप में भी ये दोनों दिखाई गई हैं। उसके अलावा ये जो कब्र मुबारक आप देख रहे हैं ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं।
ये जो कब्र मुबारक आप देख रहे हैं, ये हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की है, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जिस कब्र मुबारक के नज़दीक ज़्यादा सिक्योरिटी देखें तो आप उससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कब्र भी किसी सहाबे कराम की ही है। ये कब्र मुबारक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये तैयार कब्र दिखाता चलूँ। यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार कब्रें इस टाइम रेडी हैं, और उसके ऊपर ये इन्होंने लकड़ी का जो है स्लैब रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एकदम तैयार कब्र है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इस चैनल में मदीना मुनव्वरा की जितनी भी ज़ियारतें हैं उन सब की मुकम्मल डिटेल मैंने बना के रखी हुई है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार इस वीडियो को लाइक करके दीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।